वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 27 मार्च को पूरे देश के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आपको बता दें, दिल्ली में भीषण गर्मी से राहत, इन राज्यों में आज बारिश। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अब देश के उत्तरी भागों खासकर पहाड़ों से समाप्त हो चुका है। आज पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों तक मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है। इन भागों में लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हीट वेव देखने को मिल सकती है। इन तमाम राज्यों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान जा सकता है। रविवार को भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में हाल ही में हुई बारिश का असर वहाँ अभी भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर में आज भी पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं का असर रहेगा। ये हवाएं शुष्क होंगी। इन हवाओं की रफ्तार तेज होगी, आसमान साफ रहेगा। अब जाने दिल्ली का मौसम। मौसम कार्यालय ने दिल्ली में सप्ताहांत में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि रविवार को मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और दोपहर के समय पूरे क्षेत्र में तेज हवाएं चलेंगी। बिहार में पछुआ का प्रभाव। बिहार में पछुआ का प्रभाव बने होने के कारण तापमान में परिवर्तन हो रहा है। पछुआ 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य का मौसम ऐसा ही रहने वाला है। 5 दिनों में लू चलने की संभावना है। आने वाले समय में 2 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल सूबे का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो जल्द ही 41 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। और अब झारखंड के मौसम का हाल। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में बादल छाए हुए थे, जो आज भी छट चुके हैं। बादल रविवार तक पूरी तरह से छट जाएंगे और तीखी धूप निकलेगी, जिससे तापमान में वृद्धि होगी। राजधानी रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जमशेदपुर और डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान क्रमशः 36.2 और 38.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और अब चले मध्य प्रदेश के मौसम की ओर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र ने मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दी है। उनके अनुसार सूबे के 7 जिलों नीमच, मंदसौर, राजगढ़, आगर, गुना, टीकमगढ़ और निमाड़ी में बारिश की संभावना है। वहीं मालवा और निमाड़ के कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार है। बताया जा रहा है कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की हवाएं बादलों को मध्य प्रदेश के बाहर निकालने से रोकने का काम कर रही है। इसी वजह से उपरोक्त 7 जिलों में या इसके अलावा जहां बादल है वहां बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। और अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम का। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर व दक्षिण छत्तीसगढ़ में विपरीत दिशाओं से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी और बढ़ती जा रही है। आज से अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे गर्मी और बढ़ेगी और यहाँ बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ भागों में लोगों को 28 मार्च तक भीषण गर्मी और लू की मार झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक छुटपुट बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार 24 घंटे के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कर्नाटक में बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी। आज सिक्किम में बूंदाबांदी तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में आगामी 3 से 4 दिनों तक बारिश होती रहेगी। मध्य भारत की बात करें तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा के हवा का असर रहेगा। मध्य प्रदेश और गुजरात में आज टेम्परेचर में वृद्धि होगी। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलेंगी। गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक या तटीय भागों में और केरल में आज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए UMB न्यूज़।